ये मत सोचिए 2024 में जीतते हैं। देवेंद्र फडणवीस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को क्यों दी ये नसीहत। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 2024 से पहले भाजपा कार्यकर्ताओं को जगाने का प्रयास करते हुए उन्हें अपनी जीत को लेकर आत्मुग्ध नहीं रहने और 2024 के लोकसभा चुनाव को गंभीरता से लेने की नसीहत दी है। उन्होंने पार्टी वर्कर्स को चेतावनी दी कि उन्हें ये सोचकर जमीन पर काम करना बंद नहीं करना चाहिए कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जीत निश्चित है। भाजपा की राज्य कार्यकारिणी की एक बैठक में बोलते हुए देवेंद्र फडणवीस ने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि उन्हें आम आदमी और गरीबों से जोड़ना चाहिए जो भाजपा की वोट बैंक है। इस बैठक में महाराष्ट्र भाजपा के पदाधिकारियों और जिला अध्यक्षों ने भाग लिया। उन्होंने कहा कि ये कहकर प्रयास करना बंद ना करें कि हमारी जीत निश्चित है, टिकट किसे मिलेगा इसकी चिंता ना करें। देवेंद्र फडणवीस ने बीजेपी वर्कर से गरीबों, किसानों, महिलाओं, युवाओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए भी कहा। फडणवीस ने कहा कि समाज के इन चार वर्गों को नरेंद्र मोदी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से लाभ हुआ है। उन्होंने कहा कि जाति संबंधी मुद्दे बहुत हैं, लेकिन पार्टी कार्यकर्ताओं को जाति के बारे में नहीं सोचना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को अपने स्टार प्रचारक के रूप में मैदान में उतारने का फैसला किया है। पार्टी का मानना है कि फडणवीस अपने भाषण कौशल के साथ ही राजनीतिक कौशल से भी 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले मतदाताओं को प्रभावित करने में सफल रहेंगे। साथ मुख्यमंत्री के रूप में उनके पिछले कार्यकाल को भी बीजेपी गुड गवर्नेंस के एक मॉडल के रूप में महाराष्ट्र की जनता के सामने शोकेस करेंगे। इस सप्ताह में हुई पार्टी की आंतरिक बैठक में राज्य के 36 जिलों में देवेंद्र फडणवीस की रैलियां आयोजित करने का निर्णय लिया गया। वे फरवरी से मिशन महाराष्ट्र 45 प्लस पर निकलेंगे और रोजाना 3 जनसभाएं करेंगे। महाराष्ट्र में 2024 में हो सकता है 2 गठबंधनों का मुकाबला। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में आगामी चुनाव में पार्टियों की बजाय गठबंधनों का मुकाबला देखने को मिल सकता है। देवेंद्र फडणवीस ने 25 नवंबर 2023 को एक अंग्रेजी अखबार को दिए इंटरव्यू में कहा था कि 2024 में बीजेपी महाराष्ट्र में शिवसेना, एकनाथ शिंदे गुट और एनसीपी अजीत पवार गुट के साथ महायुति गठबंधन में चुनाव लड़ेगी। बीजेपी शिंदे सेना अजीत पवार की एनसीपी के बीच सीटें तय। उन्होंने कहा था कि तीनों पार्टियों के बीच महाराष्ट्र के लिए सीट बंटवारे के फॉर्मूले को लगभग अंतिम रूप दे दिया गया है। बकौल देवेंद्र फडणवीस ये प्रस्तावित हैं कि महाराष्ट्र में भाजपा 26 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, शिवसेना और एनसीपी मिलकर 22 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। आपको बता दें कि राज्य में कुल 48 लोकसभा सीटें हैं। महा विकास अघाड़ी में सीट शेयरिंग पर चल रही है खींचतान। वहीं दूसरी तरफ उद्धव सेना, शरद पवार के एनसीपी और कांग्रेस का गठबंधन महाविकास अघाड़ी है। चर्चा चल रही है कि प्रकाश अंबेडकर अपनी पार्टी वंचित बहुजन अघाड़ी के साथ एमवीए का हिस्सा हो सकते हैं। हालांकि सीट बंटवारे को लेकर एमवीए में खींचतान दिख रही है। उद्धव सेना ने 23 सीटों पर दावा किया है, जिस पर कांग्रेस ने आपत्ति जताई है। अब इंडिया गठबंधन को महाराष्ट्र में कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, इसका कठिन फैसला करना है। अगर सीटों को लेकर बात बन गई तो महाराष्ट्र में एमवीए बनाम महायुति मुकाबला देखने को मिल सकता है।